नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन जागड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बहुत ही फैंटास्टिक टॉपिक पर बात करने वाले हैं। WPC आपने नाम सुना होगा, PVC नाम सुना होगा। ये पैनल्स होते हैं जो कि होम डेकोर, रूम को सजाने के काम आते हैं, जैसा कि आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, कौन से आपको पैनल्स घर पर लगवाने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अपने रूम को बेहतरीन बनाने की सोचते हैं तो आप कहीं ना कहीं PVC पैनल या WPC पैनल्स की ओर विजिट जाते हैं और उन्हें घर पे लगवाने की कोशिश करते हैं। तो आज हम इन दोनों का डिटेल कंपेरिजन करेंगे, जिससे आप आसानी से इसे समझ सकें कि आपको अपने घर पर PVC पैनल या WPC पैनल, कौन से पैनल लगवाने चाहिए जिससे आपके घर को एक अच्छा लुक मिल सके। और इसका पूरा डिटेल हम आपको A to Z इसकी सारी प्रॉपर्टी के साथ डिफरेंस क्लियर करेंगे कि कौन बेस्ट है और कौन आपको घर पे इंस्टॉल कराना चाहिए। तो पूरा डिटेल जानकारी के लिए हमने एक पोस्ट लिखा है और इस पोस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, उस पर आप क्लिक करके आसानी से जान सकते हैं। मैं A to Z भी आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं इन पर। तो ये देखिए दोस्तों, मैं अपने आर्टिकल पर आ चुका हूं। यहां पर डिटेल कंपैरिजन दिया है विच इज बेटर, WPC पैनल और PVC पैनल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि WPC पैनल्स क्या होता है। पहले मैं दिखा दूं ये दिखता कैसा है, WPC पैनल्स कैसे दिखते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये WPC पैनल्स हैं, ये जिसमें एक देख सकते हैं डिजाइन टाइप का बना रहता है, ये WPC पैनल्स हैं। अब ये क्या होते हैं, कैसे बनते वगैरह देख सकते हैं। ये WPC पैनल्स की एग्जाम्पल मैं एक PDF खोल रखा हूँ। अब ये होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं, इसके बाद PVC पैनल समझेंगे। तो WPC पैनल्स का मतलब है वुड प्लास्टिक कंपोजिट। यह एक पैनल है जो प्लास्टिक और लकड़ी के फाइबर मिश्रण को मिलाकर बनाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर प्लास्टिक और लकड़ी को मिक्स करके जो चीज़ बनाई जाती है वो WPC पैनल्स कहलाता है। WPC पैनल बनाने के लिए लकड़ी के फाइबर, थर्मोप्लास्टिक रेजिन और एडिटिव को मिश्रित किया जाता है और उच्च दबाव के तहत वॉल पैनल के रूप में बाहर निकाला जाता है। अंत में जो उत्पाद मिलता है वो बहुत ही मजबूत, टिकाऊ, नमी प्रतिरोधी और साउंड प्रूफ मटेरियल होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा WPC पैनल्स क्या हैं। अब और भी डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं WPC पैनल्स के फायदे क्या होता है। WPC वॉल पैनल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं क्योंकि ये रिसाइकल मटेरियल से बने होते हैं। इसके अतिरिक्त WPC वॉल पैनल कई रंगों, बनावट और पैटर्न की एक विस्तृत श्रृंखला में उपलब्ध हैं। जब अलग और स्टाइलिश इंटीरियर बनाने की बात आती है तो इंटीरियर डिजाइनर इन्हें चुनते हैं। तो देख सकते हैं WPC पैनल के बारे में आप समझ में गए होंगे और कितने अलग अलग डिफरेंट कलर दोस्तों यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये वॉल में देखिए WPC पैनल लगा हुआ है, यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है। ये एक WPC पैनल है, उससे एक दीवार और रूम को डेकोरेट किया गया है, इससे किया गया। तो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन के साथ WPC पैनल उपलब्ध है जो कि प्लास्टिक और लकड़ी के मिश्रण से बनता है। पहली बात आप समझ गए कि WPC पैनल्स होते क्या हैं। अब हम लोग समझते हैं कि PVC पैनल्स क्या होते हैं, PVC पैनल्स क्या है। तो पहले हम देख लेते हैं कि PVC पैनल्स दिखता कैसा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये PVC पैनल्स के अलग अलग एग्जांपल हैं। ये देखिए छत पर लगा हुआ है जो कि बॉर्डर भी PVC पैनल और रूप भी PVC पैनल से डेकोरेट है। वहीं ये देखिएगा इसका बड़ा वर्जन, और यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा डेकोरेशन आप PVC पैनल से कर सकते हैं। दोस्तों PVC पैनल्स दीवार पर भी लगते हैं और साथ साथ छतों पर भी इसके डिजाइन अलग अलग प्रकार के बनाए जाते हैं। तो ये PVC पैनल्स के एग्जाम्पल्स और मैंने आपको कुछ इसके डिज़ाइन वगैरह दिखाए। देख सकते हैं PVC पैनल्स काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। अब ये होता है क्या वो समझ लेते हैं। तो PVC पैनल PVC सामग्री से बने होते हैं जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है। PVC पैनल बनाने के लिए PVC रेजिन का प्रयोग किया जाता है और इन्हें एक हाई प्रेशर के दबाव में एक पैनल या सीट के रूप में बदल दिया जाता है। फिर इसके बाद अलग अलग वैरायटी के पदार्थ बनाए जाते हैं, जैसे PVC फ्लोटेड पैनल, PVC वॉल पैनल आदि। PVC पैनल भी वाटर प्रूफ, मॉइस्चर रेजिस्टेंस, साउंड प्रूफ, हाई ड्यूरेबिलिटी, लाइट वेट व इन्हें लगाना भी आसान होता है। PVC पैनल को आप हाई मॉइस्चर वाले एरिया में लगा सकते हैं, और जैसे कि किचन, बाथरूम, बेसमेंट वॉल आदि, ये PVC पैनल 100% मॉइस्चर रेजिस्टेंट होते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि WPC और PVC पैनल्स होते क्या हैं, ये आप समझ गए। अब हम बात करते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन WPC पैनल और PVC पैनल्स।
तो सबसे पहले मटेरियल कंपोजिट की बात करें, सामग्री की संरचना के आधार पर इनकी बात करें, तो WC पैनल बनाने के लिए वुड फाइबर और थर्मोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसमें ज़्यादातर रिसाइकल लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वहीं PVC पैनल 100% रिजिड प्लास्टिक और PVC रेजिन से बनाए जाते हैं। तो समझ गए दोनों कैसे बनते हैं, अपीयरेंस दिखते कैसे हैं दोनों। PVC पैनल की पूरी तरह से प्लास्टिक जैसी दिखाई देते हैं। इसका सरफेस एकदम चिकना और चमकदार होता है, इसमें किसी भी तरह के टेक्सचर नहीं दिखाई देते हैं। ये पैनल काफ़ी पतले होते हैं जिनकी ऊपरी परत काफ़ी अच्छी होती है। इनमें मजबूती प्रदान करने के लिए होल कैविटी भी दी जाती है जो थर्मल इंसुलेशन का काम भी करती है। वहीं बात करें ये एकदम प्राकृतिक लकड़ी जैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि वुड ग्रेन और टेक्सचर। ये दोस्तों WPC की बात कर रहा है, ये PVC की पैनल की थी। ये WPC कैसे दिखाई देते हैं, एकदम प्राकृतिक लकड़ी जैसे वुड ग्रेन और टेक्सचर में। तो ये अपीयरेंस की बात हो गई। इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं दोनों का, तो PVC पैनल को लगाना बहुत ही आसान है। इन्हें लगाने के लिए एडेसिव का प्रयोग किया जाता है और इन्हें लगाने के लिए किसी प्रकार की कुशल मजदूर की आवश्यकता नहीं होती। आसानी से दोस्तों PVC पैनल लगाए जा सकते हैं। वहीं बात करें WPC पैनल को लगाना, PVC पैनल के जितना आसान नहीं है। इसे लगाने के लिए आपको बहुत ही चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रो क्लिप स्क्रू स्पैसिंग एडेसिव और इंस्टॉल करने के लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो PVC पैनल लगाना आसान है, WPC थोड़ा सा डिफिकल्ट है। टेक्निक्स की बात करें तो बाजार में PVC पैनल 2.5 mm से लेकर 12 mm तक मोटाई में मिलते हैं। वहीं बात करें WPC पैनल की तो 5 mm से लेकर 30 mm तक के मोटाई में आपको मार्केट में मिल जाएंगे। वेट की बात करें तो PVC पैनल काफ़ी हल्के होते हैं, जबकि WPC पैनल्स PVC के कंपेरिजन में थोड़े से भारी होते हैं। UV रेजिस्टेंस, PVC पैनल WPC पैनल की तुलना में कम UV प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन WPC पैनल की तुलना में पर्यावरण में आसानी से नष्ट या रंग नहीं बदलते हैं। DPC पैनल PVC पैनल की तुलना में अधिक UV प्रतिरोधी होते हैं, इसकी वजह से इनके ऊपर वातावरण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, आप देख सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंस की बात करें, दोनों ही पैनल चाहे PVC की बात करें या WPC पैनल की बात करें, वाटर रेजिस्टेंस होते हैं। दोनों में पानी का कोई भी असर नहीं होता, यानी आप 100% मॉइस्चर रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। केमिकल रेजिस्टेंस की बात करें तो PVC पैनल 100% केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, जबकि WPC पैनल PVC पैनल की तुलना में कम केमिकल रेजिस्टेंस होता है। ये देखिएगा स्क्रेच रेजिस्टेंस, दोस्तों क्या होता है स्क्रेच, बच्चे जैसे घर पे आप लगवाते हैं तो स्क्रेच पड़ जाते हैं, तो देखिए PVC पैनल WPC पैनल के मुकाबले ज़्यादा स्क्रेच रेजिस्टेंस वियर करते हैं दोस्तों, सहन कर सकते हैं। और अगर टर्माइट रेजिस्टेंट की बात करें, दोनों ही पैनल 100% टर्माइट रेजिस्टेंस है, परंतु अगर दोनों में किसी को चुना जाए तो WPC पैनल टर्माइट रेजिस्टेंस के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा माना जाता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों इनको लगवाने के समय कि कितना ये चलेंगे, तो PVC पैनल WPC पैनल से थोड़े कम मजबूत है और टिकाऊ होते हैं। यदि इनके ऊपर कील को ठोका जाए तो ये खराब हो सकते हैं और उनके ऊपर क्रैक भी आ जाते हैं, परंतु आप इन्हें भी अपने मकान के इंटीरियर वॉल डिजाइन में प्रयोग कर सकते हैं। परंतु WPC पैनल दोनों स्थितियों में अधिक फायदेमंद है, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ज़्यादा मजबूत होते हैं। तो मजबूती की बात करें तो PVC पैनल थोड़ा सा WPC पैनल के मुकाबले कम मजबूत होता है। साउंड प्रूफ की बात करें, दोनों ही पैनल साउंड प्रूफ हैं, दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इको फ्रेंडली की बात करें तो PVC पैनल को 100% PVC रेजिन यानी कि प्लास्टिक मटेरियल से बनाया जाता है, इसलिए ये इको फ्रेंडली नहीं है, परंतु WPC पैनल्स को रिसाइकल लकड़ी के प्रयोग से बनाया जाता है, इसे 100% इको फ्रेंडली माना जा सकता है। मेंटेनेंस की बात करें, PVC पैनल को मेंटेन करना बहुत ही आसान है, WPC का थोड़ा सा मुश्किल है। कॉस्ट की बात करें, PVC पैनल WPC पैनल की तुलना में कम महंगे हैं। PVC पैनल की कीमत 50 से 80 रुपये प्रति वर्ग फुट तक होती है। दोस्तों यहाँ बहुत ही बात है कि PVC पैनल की कॉस्ट क्या पड़ती है, तो 50 से लेकर 80 रुपये, डिपेंड करता है किस जगह आप पैनल लगवा रहे हैं, कहाँ पर आपका एरिया क्या है, एरिया टू एरिया डिपेंड करता है। 50 से 80 रुपये प्रति वर्ग फुट आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट आता है। वहीं WPC तक होता है इंस्टॉलेशन के लिए आपको लेबर को अतिरिक्त दोस्तों 15 से 30 रुपये प्रति वर्ग फीट देना पड़ सकता है। वहीं WPC पैनल की कीमत की बात करें, 75 से 150 रुपये प्रति वर्ग फीट तक यहाँ पर आपको कॉस्ट देनी पड़ेगी। इसके बाद लेबर चार्ज लगभग आपको 15 से 30 रुपए के बीच देना होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें आपका कॉस्ट की,
तो पीवीसी पैनल सस्ते हैं, ये मार्केट में 50-80 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से उपलब्ध हो जाता है। और स्क्वायर फीट की बात करें, जैसे 10x10 की वॉल हुआ तो 100 स्क्वायर फीट हो गया। तो अगर आपने सपोज दैट 50-80 के बीच में कोई भी एक प्राइस कंसीडर कर, 70 रुपए कंसीडर कर लिया, और आपने 20 रुपए सपोज दैट लेबर कॉस्ट कंसीडर कर ली, तो 70x20 90 रुपए, तो 90 रुपए स्क्वायर फीट, तो एक 10x10 की वॉल आपको लगभग 9000 में, मतलब 100 स्क्वायर फीट की पड़ेगी। वहीं ये महंगा है थोड़ा, एवरेज में आपको 14,000-15,000 रुपए अप्रॉक्स पड़ेगा। ये डिपेंड करता है दोस्तों प्राइस बहुत चीज़ों पर। तो ये एक डिटेल कंपैरिजन दोनों के बीच में मैंने आपको बताया। मैं आशा करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी। तो दोस्तों आपको मैं आशा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी कि आपको WPC या PVC पैनल्स किनको लगवाना चाहिए। अगर आपके पास बजट कम है, आप अपने घर को और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप PVC पैनल्स की ओर मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली होगा और आप इसे आसानी से लगवा भी सकते हैं। और ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं, हाँ थोड़ा सा डेकोरेशन में, क्योंकि वो एडवांस वर्जन है तो जाहिर सी बात है कुछ बहुत डिफरेंस होंगे। अगर आपके पास बजट कम है और आप चाहते हैं घर को सजाना, तो आप पीवीसी पैनल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज्यादा है, तो बिल्कुल आप बेहिजक WPC पैनल से लगवाइएगा। यहां पर घर का लुक और आपका रूम का लुक एक और एडवांस लेवल पर हो जाएगा। अब मार्केट में दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, अगर आप उन पर डिटेल कंपैरिजन वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उन पर भी वीडियो क्रिएट करेंगे, जिससे आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकें, उनकी प्रॉपर्टी को समझ सकें कि और ये मटेरियल से क्या क्या मार्केट में चल रहे हैं जो इस समय चल रहे हैं। तो WPC और PVC पैनल्स आपको मैं आशा करता हूँ कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे आपको मैं लगातार ऐसी वीडियो देता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।